मेरा नाम रोशन लाल पटेल, गढ़पटनी, गढ़पटनी ग्राम पंचायत गढ़पटनी सर। तो अभी विधानसभा चुनाव है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? अपने यहाँ तो ऐसा कोई माहौल नहीं है अभी। हाँ। लेकिन अगर प्रॉपरली अपना बसना ब्लॉक से होते कोई कैंडिडेट, अच्छा, तो उसको हम लोग समर्थन करते। अभी संपत भैया थोड़ा सा दिख रहे हैं, आने जाने में आते जाते रहते हैं अभी, तो शायद वो हमारे लिए ठीक रहेगा। बाकी तो सरीपाली से रहते हैं, अपना कांग्रेस से और बीजेपी से भी रहते हैं, तो वो अपना कंफर्म नहीं हो पाता वहाँ से डायरेक्ट बातचीत कहीं भी। समस्या तो हम लोग को ऐसे ही रहता है कि एनी टाइम कहीं कहीं कुछ ना कुछ। वो कहना है कि स्थानीय विधायक चाहिए। हाँ, स्थानीय विधायक चाहिए अपने को। बीजेपी से और कौन कौन जनसंपर्क है? संपत अग्रवाल जी का। अभी संपत अग्रवाल के सिवा कोई नहीं है अभी। अच्छा, कोई आ जा नहीं रहे। जैसे अभी हम आपके गांव आ रहे थे जी, तो हमने आपके गांव के खंभे में, बिजली खंभों में काफी सारे एक बीजेपी नेता है जगदीश प्रधान, जिनका हमने पोस्टर देखा। उसका कोई अभी तक अस्तित्व नहीं है अपने गाँव में, कोई परिचय नहीं है किसी के सामने। वो कोई अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आया नहीं है, उसको कोई जानते भी नहीं है सर। एक चंद्र कुमार गुल्लू भैया के नाम से भी गांव-गांव में लगा है। हाँ, वो भी अपना यहाँ कोई नहीं आए हैं, हम लोग कोई मुलाकात भी नहीं किए हैं और उससे परिचय भी नहीं है उतना। तो हम लोग बीजेपी नेताओं की बात की, हम कांग्रेस से और कौन कौन जनसंपर्क? कांग्रेस से अभी तो अपना वो ये है, ये क्या बोलते हैं अपना देवेंद्र बहादुर जी, देवेंद्र बहादुर जी भी आते हैं। हाँ। उसको पूछने के बाद और नहीं पूछने की स्थिति में वो आते भी नहीं है। हम लोग को जितना जरूरत पड़ता है उनको चले जाते हैं उनके पास, तो करते हैं काम, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल निस्संदेह जाते हैं उन लोग, करते हैं काम। वो जैसे कि आपने बताया पूर्व सरपंच भी थे, तो अभी कांग्रेस कार्यकाल में आपके गांव में कितना विकास हुआ? देखो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों अपने गांव में ना विकास हो, दोनों स्तर में ऐसे ही चलता रहता है कि जितना जो कांग्रेस रहेगा उतना बीजेपी रहेगा, तभी उतना जितना रहता है उसी स्तर में चलता रहता है। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि लगातार जो कांग्रेस चाहे बीजेपी रहे उसी के आधार से चलता रहता है। अच्छा, अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या आपने आम आदमी पार्टी का अभी चुनावी घोषणा पत्र देखा है? नहीं देखा है, उसके बारे में हम लोग को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अपने को आम आदमी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, मतलब छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जो है अपना खाता खोल पाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है? मेरे को कुछ नहीं लगता, वो खाता खोल भी नहीं पाएगा वो। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार बनते दिखाई दे रही है? प्रदेश में बनना चाहिए अपने भूपेश बघेल का। किन किन योजनाओं का फायदा मिला है भूपेश बघेल जी का, मतलब राज्य सरकार के गाँव में? अभी तो जो फायदा मिला है अपने गाँव वाले ही बताएंगे, और जो फायदा मिला है वो भली भांति जान रहे हैं गांव वाले। बोनस से लेके अपना जो पहले तो वो अपना कर्ज माफी किया कर दिया, ये तो सब किसानों के लिए। गरीबों के लिए क्या किया राज्य सरकार? गरीबों के लिए फ्री राशन दिया है। वो तो पहले भी मिल रहा था फ्री राशन? नहीं, वो अपना तो पहले राशन जो ना फ्री में नहीं मिल रहा था, वो मिलने ये लगा है कि वो कोरोना के बाद ही मिला है अभी। आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जो विधायक जी ने रोका हो आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं रोके हैं वो। तो फिर आने वाले समय में फिर आप दूसरा चेहरा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुके हैं। अच्छा, आप नए चेहरे को? नए चेहरे को अपनाना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, चाहे बीजेपी से हो कांग्रेस से हो? हाँ, ये अपना हम लोग ये चाह रहे हैं कि विधायक अपने बसना विकास खंड से होना चाहिए। उपेंद्र कुमार पटेल। अच्छा, क्या कर सकते हैं? खेती किसानी। कथा कर जमीन है 24 एकड़। 24 एकड़ तो अच्छा धान खा सकते, पिछले में समर्थन मूल्य में। हाँ, अभी कांग्रेस सरकार कब तक समर्थन मूल्य में धान लेके वादा करेगी? तो उतना तो जानकारी नहीं यार, कितना लिया अभी तक? प्रति क्विंटल कतक ली हूँ की इसे करे जानकारी है? 20 क्विंटल लेबो बोला तो है यार। अभी तो 20 क्विंटल ली है कांग्रेस अपन ने वादा नहीं भाई, निभा सका थे चुनाव जीते बार। तो पिछले बार तो जो वादा कर रही कांग्रेस सरकार किसान मन के वादा तो निभाई से ना? हाँ, निभाई से, अधूरा रह गया। नहीं नहीं, किसान और बहुत खुश हमारा। हाँ, बहुत खुश है। भाजपा भी 3,000 क्विंटल धान दे के बात करते है, तो क्या लगते है? नहीं, 2-4 बार तो अगर धोखा खा चुके हैं रावण सरकार के ये में। और हम अभी बसना विधानसभा चुनाव की बात करें, काकर माहौल चल रहा था, कौन नेता मने थे जनसंपर्क में? अभी संपत के जला चाहते बीजेपी से। हाँ,
और ये अरवाल डॉक्टर लही बोलत रहिन अच्छा सोने में मिलते हैं हाँ। बाकी प्रचार का तो नहीं देखे ना कांग्रेस के राजा की ही चलाते समझो हाँ बोला था महालक्ष्मी में और कुछ में विसर्जन कुछ में भी जाते हैं विकास गाँव में विकास उठान ला लिया जाए एक और ये रोजगार गारंटी भी काम वाम मस्त तो देते गा उठान में गोबर खरीदी होते हाँ होते ना फायदा मिला थे मतलब हाँ मिला थे वर्मी कंपोस्ट बना थे हाँ बना थे ना चरगाह बने हैं लेकिन वहाँ सब से तो खुद प्राइवेट चलाते हैं गोबर सिर्फ बेचते हैं समझो वहाँ से घास लगे वाला काट ला के खिलाते हैं अभी गर्मी में मर गया रही शायद पानी की कमी के कारण किसान मन तो कांग्रेस ठीक है और गरीब मन की क्या स्थिति है और अपन के दिल के बाद हम बोल सकते हैं दूसरे के दिल के बाद क्या बोल सकते है ना नहीं बढ़िया सरकार कहते हैं सर जान हाँ सब मिला था ना शुक्रिया हुई कौन से गांव से कटपटनी से क्या चल रहा है माहौल क्या है विधानसभा चुनाव का विधानसभा का माहौल तो अभी कुछ भी नहीं है अच्छा। ना तो बीजेपी आ रही है ना कांग्रेस यहाँ आ रहे हैं अच्छा हाँ तो लेकिन जो योजना जो लागू है ना हाँ। भूपेश सरकार की तो उसी के आने की संभावना है अच्छा क्या कौन कौन सा योजना लागू है दुनिया भर का है लेकिन प्रदेश में फिर से भूपेश बघेल जी की सरकार बनते दिखाई दे रही है हाँ हाँ तो बसना विधानसभा का क्या स्थिति है बसना विधानसभा का तो आता पता नहीं संपर्क कोई नेता जनसंपर्क नहीं संपत अग्रवाल जी का माहौल चल रहा है संपत अग्रवाल जी बहुत पहले आ रहे थे अभी थोड़ी आ रहे हैं अच्छा नहीं आ रहे हैं ना अभी तो अभी जनसंपर्क में नहीं है जनसंपर्क में कोई पार्टी नहीं है यदि बीजेपी आना चाहती है ना हाँ। तो संपत अग्रवाल को टिकट देना चाहिए हाँ देना चाहिए तब आएगी